हमने देखिए हड़ताल कर दी लोगों ने, चले मेरी जान जाएगी, और अगर मैं भाग भी जाता हूँ तो 10 लाख में कहाँ से लाऊंगा, 10 साल की सजा में कैसे काट पाऊंगा। तो भाई साहब का कहना ये है कि अगर मैं नहीं भागता, अगर रोड पे एक्सीडेंट हो गया ड्राइवर का, ठीक ना, अगर मैं नहीं भागता तो पब्लिक मार देगी, ठीक ना, अगर हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं वहाँ तो जो 10 लाख का बजट है वो हमको जान ले लेगी। क्या हम 10 लाख रुपए लाएंगे हम लोग कहाँ से? अभी सभी को पता है कि प्रॉपर 99% कंपनियां ऐसे हैं जो सैलरी टाइम पे नहीं देते, एक नाम का सैलरी रखे हुए हैं, बस सही है नहीं, बिल्कुल सही है, एक नाम का सैलरी रखे हुए हैं। अगर रोड पे गाड़ी किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो ना मुंशी फोन उठाता है, ना मैनेजर फोन उठाता है, कोई तरह का बात है ना सोल्यूशन होता है, हम ड्राइवर करे से करे क्या, सरकार भी हमारे खिलाफ है। तो आज जो आप ये बताइए हमको कि इसके प्रति हम लोग क्या एक्शन लेंगे, हम ड्राइवर हानिकारक है बिल्कुल, कोई भी ड्राइवर के पास इतना क्षमता नहीं है कि वो 5 से 7 लाख हो या 10 लाख हो वो दे सके, किसी के पास नहीं है, किसी का पैसे तो हम लोग को सारा पुलिस से लेके ट्रैफिक से लेके लोकल वाला लेके हर कोई परेशान करता है, छोटे गाड़ी बड़े गाड़ी एक जैसे यहाँ से संदेश आप तक पहुँचेगा जरूर, और जिस किसी तक पहुँचेगा वो शेयर करे, एक दूसरे ड्राइवर भाई तक पहुँचाए, और जहाँ भी है जो कोई ट्रक चला रहा है, कोई हैबा चला रहा है, कोई कार कैरियर में है, कोई 10 चक्का में है, सब जहाँ है जिस जगह पे उस जगह से सपोर्ट बनाए, और ड्राइवर जो ड्राइवर के ऊपर ये काला कानून लागू हुआ है उसको खारिज किया जाए, या तो हम लोग स्क्रीन छोड़ेंगे, चक्का जाम करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ लड़ेंगे हम लोग, नहीं लड़ेंगे भाई तो कल होके हम लोग को न घर का रहेंगे न घाट का रहेंगे। अगर किसी बड़ी गाड़ी चला करके क्या देखिए, सही बात, मजदूर लोग कमा लेता है घर पे, बिल्कुल 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 समझ लीजिए, हम लोग इतना इतना बड़ा गाड़ी चलाते हैं बिना क्लीनर का, अगर क्लीनर का सैलरी नहीं देता है, हम लोग का खुद का नहीं होता है पैसा भाई लोग, अगर हम लोग 10,000-20,000 कमा रहे हैं तो किसी क्लीनर को ला कर हम 5,000 उसको देंगे तो 15,000 में हमारा घर चलेगा, और इतना बड़ा 15,000 रुपए के लिए इतना बड़ा गाड़ी चलाएंगे हम लोग क्या होगा, और उसके ऊपर 10 लाख रुपए हमारे एक्सीडेंट होगा तो हमारे नाम, सरकार क्या करेगी फिर, कुछ कर सकती है कि नहीं कर सकती भाई लोग, और उल्टा हम ही लोग के ऊपर कानून लाएंगे, अरे ड्राइवर के खिलाफ नरेगा में खट लो, वही बात है ना, अगर मजदूर का भी अगर किसी हम अगर नरेगा में भी आवाज उठाइएगा तो कल हमारे को सबसे ज्यादा परेशानी होगा बिल्कुल, ये जो काला बिल आया सिर्फ ड्राइवर के ही हित में नुकसान दे, बाकी किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, ड्राइवर के लिए ही नुकसान है, सरकार तो कभी कभी किसान वाले पे पड़ जा रहे, कभी अब ड्राइवर पे पड़ गए, तो वही चाहिए ना, ठीक है हमारे ऊपर ये नियम बनाया, ठीक है मैं ये मानता हूँ, लेकिन जो हम वहाँ पे मान लिया मेरे से एक्सीडेंट हो गया, मैं किसी घायल, भैया थोड़ा इधर, भैया थोड़ा इधर कर कैमरा में, जैसे मैं मेरे से एक्सीडेंट, सब सामने आ जाओ ना भाई, थोड़ा इधर इधर बात कीजिए ना, कैमरा कैमरा में लग के बात कीजिए, आँख में आँख डाल के थोड़ा सा, तब उसके बाद लगेगा, जैसे क्या है कि एक्सीडेंट मान लिया कि हो जाए, मुझसे हो जाए या किसी भी व्यक्ति से हो जाए रोड पे, बिल्कुल, तो कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता है कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ हो, बिल्कुल, तो अगर हम मान लिया कि गाड़ी रोक करके उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, बिल्कुल, उतने देर में तो पब्लिक तो ड्राइवर पे हमला कर देती है, बिल्कुल, तो ड्राइवर को भागने का कारण यही है कि पब्लिक हमला कर देता है, तो उसको जान की डर रहता है, इसके लिए वो भागता है, तो जिस तरह से तो है, हाँ ये भी तो है, कोई 10 लाख रुपए का पैकेज थोड़ी आ रहा है कि 10 लाख आया और हम लोग दे देंगे, आता है क्या किसी का 10 लाख का पैकेज आ रहा है क्या, यहाँ 10,000 रुपए नहीं मिल रहा हम लोग को, यहाँ 2-3-4 दिन खड़ा हो जाता है तो आदमी को खाने के लिए सोचना पड़ता है कि किधर खाएगी, कंपनी से मांगना पड़ता है। तो भाई लोग हम लोग हम यही बोलना चाहते सभी ड्राइवर लोग से कि जैसे अभी हमारा ट्रक जो है हम लोग नहीं चलाएंगे, है ना भाई, जब एक तारीख हाँ 1 तारीख से लागू होगा तो हम लोग स्ट्रिंग छोड़ो आंदोलन जारी करेंगे, जो जहाँ पे है ड्राइवर वहाँ से ही अपना स्ट्रिंग छोड़ो आंदोलन जारी रखे, और एक दूसरे को शेयर करें ताकि ये जो ड्राइवर भाई का आवाज है वो सरकार तक पहुँचे, छोड़ के घर चला जाएंगे, ठीक ना, फिर हम लोग को निकलना पड़ेगा बाहर की नहीं निकलना पड़ेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर आके ड्राइविंग करेंगे, घर में तो दाना रोटी तो रखा नहीं है कि जाके हम लोग बैठ के खाते रहें साल भर, तो घर जाने से कुछ नहीं हल होगा, हम लोग यहीं पे जहाँ है जिस जगह पे है उस जगह पर से ही आवाज उठाए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे ड्राइवर इतने भाई लोग हैं सब अपने अपने राय रखे हैं, आप लोग भी अगर कुछ रखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का जमाना। जय हिंद जय भारत, ओल्ड ड्राइवर कल्याण संघ संगठन से मैं अब्बास से भिलवाड़ा राजस्थान आपका एक छोटा सा कार्यकर्ता जिला उपाध्यक्ष, ये हमारे सभी सारथी भाई जो खड़े हुए हैं
ये जो हमारे अमित शाह जी जो काले कानून लेके आए हैं इसके विरोध ये खिलाफ में खड़े हुए हैं और सभी सारथी भाई मतलब कि इस कहना चाहते हैं कि हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। अगर ये कानून बिल अगर संसद में पास होता है तो कोई भी गाड़ी नहीं चला पाएगा। 10 लाख रुपए अगर वरना ड्राइवर के पास देने के लिए अगर 10 लाख रुपए होते तो वो गाड़ी नहीं चलाता। अगर वहाँ अगर रुकेगा ड्राइवर किसी भी एक्सीडेंट के पास तो पब्लिक उसे मार देगी और पब्लिक से बचकर अगर वो ड्राइवर अगर भागेगा तो गवर्नमेंट उसको मार देगी। तो ड्राइवर के लिए कोई कानून बढ़िया बनाया जाए और इस कानून को लागू न किया जाए। सभी ड्राइवर सारथी भाई क्या बोलना चाहते हैं, कोई भी ड्राइवर बोले आप क्या कहना चाहते हैं, किस लिए खड़े हो, किस लिए इकट्ठे हुए आप जी, बोले सर। हाँ बोलिए सर, आप यहाँ खड़े हुए किस लिए खड़े हुए आप? ये कानून के जो काला कानून जो आया इसी के विरोध में खड़े हुए हैं सभी ड्राइवर ये सारथी भाई, और सभी कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस बिल को वापसी ले, संसद में पास ना हो वरना भारत के अंदर कोई भी गाड़ी नहीं चला पाएगा और ये अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी पूरे भारत की। अगर ये सभी अगर ड्राइवर अगर इकट्ठे होंगे और सभी ये गाड़ी छोड़ेंगे तो कोई नहीं चला पाएगा। मुझे लगता है ये काला कानून वापसी लेना चाहिए और ये सभी गाड़ी सभी सारथी भाइयों की ये गाड़ी खड़ी हुई है ये यहाँ पे, और सभी इस अफसोच में है कि इस कानून के खिलाफ हैं सब ड्राइवर। और इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन ये मजबूरी है जो हमें वीडियो बनानी पड़ रही है। और ये सभी सारथी भाई आप बोलना चाहें सर, आप बोलिए, आप आइए। अच्छा आप आइए, आप आइए आगे बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं इस कानून के बारे में? अरे सभी ड्राइवर से अनुरोध है मेरा कि 13 तारीख को सब चित्तौड़ पहुंचे। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर जी, आप सभी इसके कानून के खिलाफ हैं। आप गाड़ी चला पाएंगे अगर ये कानून अगर लागू होगा? तो सभी हाथ ऊंचा करें जो कहते कि गाड़ी नहीं चला पाएंगे, बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। जय हिंद जय भारत ऑल ड्राइवर कल्याण संघ संगठन। देखिए दोस्तों कितना लंबा जाम है, देख सकते हो आप। ये इंदौर का है सर दोस्तों, पालदा नाका इंदौर। देखिए दोस्तों सड़क पे पूरे ट्रकों खड़े हैं और चौराया पूरा जाम है, गाड़ियां निकलने नहीं दे रहे हैं। ये पालदा नाका ब्रिज